सोलन में जहां एक और कर्फ्यू चल रहा है, लोगों को अपने खाने की चिंता है, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपनी चिंता नहीं बल्कि शहर के कुत्तों के खाने को लेकर चिंतित हैं। ये युवा जैसे ही कर्फ्यू में ढील मिलती है, शहर के कुत्ते जो रोटी क्यों तरस रहे हैं उन्हें खाना खिलाने में पहुँच जाते हैं। ये सभी युवा मानवता का परिचायक बन चुके हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे संकट के इस काल में बेजवान जानवरों का ख्याल रखें ताकि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो। अधिक जानकारी देते हुए डॉग्स लवर्स ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि शहर में कुत्तों की तबीयत अचानक खराब हो रही है। उन्हें शक है कि कुछ लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए ये करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोलन की जनता से सहयोग मांगा है कि शहर के कुत्ते शहरवासियों पर ही निर्भर हैं और उन्हें उचित देखभाल की जरूरत है। लॉकडाउन के चलते वे भूख से बिलख रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में कुत्तों के लिए भी खाना बनाएं और उन्हें खाना खिलाएं। पॉइजनिंग के बारे में तो अभी कन्फर्मली कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो जो इसकी इंक्वायरी होगी फर्स्टली, उसके बाद ही श्योरली जो भी होगा वो क्लियरली आएगा सामने। बट हमारा यही जो है आग्रह रहेगा हमारे शहर की जनता से कि अगर आपको आपके आसपास कोई स्ट्रे डॉग्स दिखते हैं या कोई भी स्ट्रे एनिमल दिखता है, तो ये हमारे ऊपर ही जो शहरी आवास में रह रहे हैं ये हमारे ऊपर ही एक तरह से निर्भर हैं, तो हमें ही इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ इंसान के लिए ही जगह नहीं है, सारे तरह के प्राणी के लिए जगह बनाई गई है। तो अब जो शहरी आवास में रह रहे हैं तो ये अब हमारे ऊपर एक तरह से निर्भर हो चुके हैं प्राणी, तो हमें इनकी देखभाल अब हमें ही करनी पड़ेगी। इस तरह के कोरोना का जो ये इस टाइम चल रहा है दौर, इस टाइम इंसान इंसान के काम आ रहा है, तो इंसान को जानवरों के भी उतना ही काम आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपको इंसानियत दिखाने का मौका मिला है, अपने आप को साबित करने का मौका मिला है कि आप भी हमारे अंदर इंसानियत है। तो मेरे वहाँ पहुँचते तो जब मैंने वो देखे तो वो दोनों कुत्ते मरे हुए थे और MC के वर्कर्स उन्हें उठाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सैक में उसे डाला था। फिर हमें लगा शायद इन्होंने ही शायद कुछ खा लिया होगा या क्या रीज़न होगा कि ये मरे, पर उसके बाद एकदम से फिर हमें भरत साहनी जी की कॉल आई वार्ड उनके अपने वार्ड से कि PWD कॉलोनी के पास एक फीमेल डॉग है जो कि वहाँ पर काफ़ी देर से लेटी हुई और हिल डुल नहीं रही है, इसकी आकर कंडीशन। तो हम अपने साथ वेटनरी डिपार्टमेंट से श्री विकास शर्मा जी को लेके गए, तो इन्होंने वहाँ एग्जामिन किया, इन्हें लगा कि शायद इसे कुछ, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी ने पॉइजन किया है या क्या है, पर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स लगे। फिर हम उसे यहाँ लेकर आए, यहाँ उसको हमने ड्रिप वगैरह लगवाई, इंजेक्टेबल्स करे, उसके बाद हम उसे वापस वहाँ छोड़ के आए, तो वो उसकी थोड़ी कंडीशन इम्प्रूव हुई। हम यही चाहते हैं कि कोई भी अगर ये शख्स ऐसा कर रहा है, उसकी हमें नहीं पता क्या इंटेंशन होगी, या कोई अथॉरिटी ऐसा कर रही है, तो ये बहुत गलत है। इस टाइम हम इतनी COVID-19 जैसे पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इस टाइम तो हमें अपनी इंसानियत दिखाने का वक्त है। अगर कोई इसे इंटेंशनली कर रहा है तो प्लीज़ ये अब इस टाइम ह्यूमैनिटी दिखाओ, ये बहुत गलत है जो भी है। जैसा कि हमारे टीम के सदस्य दीदी जी ने आपने बताया कि कल डॉग्स के साथ बहुत गलत हुआ है, तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब अपने घर में कम से कम एक चपाती एक्स्ट्रा बनाए और आप इन्हें आवारा जितने भी डॉग्स हैं अपने आसपास उन्हें एक एक चपाती ज़रूर दे, और ज़्यादातर हो सके तो ब्रेड्स को अवॉइड करें, रोटी या चपाती ही उन्हें दे।